स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एग्जाम एस्पायर। आज का हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि आईएनसी फॉर्म्ड हुआ था 1885 में, ठीक है। एंड उस टाइम पे वॉइसराय ऑफ इंडिया कौन थे, आईएनसी की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, किसने ऑर्गेनाइज करवाया, एंड इसके जो इनिशियल लीडर्स थे उनके बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर आईएनसी एंड आफ्टर आईएनसी। जो भारत में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी आईएनसी से पहले और बाद की, उनके बारे में। तो जल्दी से अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और इनको जो है साथ साथ में याद भी करते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल, बंगाल में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी उनके बारे में। पहले लिखो इस तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन, ईयर एंड प्लेस एंड फाउंडर, ठीक है। फिर है लैंड होल्डर सोसाइटी एंड जमींदारी एसोसिएशन, 1838 में फाउंड हुई थी कोलकाता में, द्वारिका नाथ टैगोर इसके फाउंडर हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 कोलकाता, जॉर्ज थॉमसन। फिर है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 कोलकाता, देवेंद्र नाथ टैगोर एंड राधाकांत देव। इंडियन लीग 1875 कोलकाता, सीसर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन कब फॉर्म्ड हुई, 1876 कोलकाता, आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 कोलकाता, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। अब यहां से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। या इस तरीके से पूछ लिया आपसे कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के फाउंडर कौन है एंड इंडियन लीग के फाउंडर कौन है, यहां से इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इनको जो है लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी वो कौन कौन सी थी। बॉम्बे एसोसिएशन कब फॉर्म्ड हुई, 1852 बॉम्बे में, फाउंडर कौन है, दादा भाई नौरोजी एंड दिनशॉ वाचा। यहां से जो है क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फाउंडर कौन है और कब फॉर्म्ड हुई, तो ये सारी चीजें यहां से पूछी जाती हैं। फिर है लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 लंदन एंड फिरोजशाह मेहता, बदरुद्दीन तायब जी जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे एंड डब्ल्यूसी बनर्जी जो थे वो आईएनसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे एंड मनमोहन घोष, ये सारे के सारे जो है लंदन इंडियन सोसाइटी के जो है फाउंडर थे। फिर आ जाता है हमारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये भी बहुत बार क्वेश्चन देखा है मैंने एग्जाम में, 1866 लंदन, दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 इसके फाउंडर कौन थे, जीवी घोष, एमजे रनाडे, एस एच चिपलूनकर। फिर है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 फिरोजशाह मेहता, केटी थेलंग एंड बदरुद्दीन तायब जी। आपने इस तरीके से इनको लिखना है, इस तरीके से आपको आसान रहेगा याद करना। ते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन मद्रास, तो मद्रास में दो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, एक थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन एंड मद्रास महाजन सभा, ठीक है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में फाउंड हुई मद्रास में एंड इसके जो फाउंडर थे वो थे लक्ष्मी नारसु चेती एंड श्रीनिवासा पलाई। फिर है मद्रास महाजन सभा 1884 मद्रास एंड इसके जो फाउंडर थे एम वीरा राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंद चार्यू, ओके। तो ये सारे जो है आपने याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जब आईएनसी फॉर्म्ड हुआ था उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे, तो उनका नाम था किम्बरली, ठीक है। ये नाम आपने याद रखना है, जब आईएनसी फॉर्म्ड हुआ था तब था किम्बरली और जब आईएनसी की मीटिंग हुई थी, मीटिंग कब हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी जब 28 दिसंबर 1885 में जो है मीटिंग हुई थी, उस टाइम पे कौन थे, चर्चिल, ठीक है। और ये जो थे वो 6 महीने तक रहे थे और उसके बाद फिर से जो है किम्बरली को जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना दिया गया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि जब फर्स्ट जो एसएसआई बने थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, तो वो बने थे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है पास हुआ था उसके बाद ये जो थे
रिसेंटली जो है फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बने थे. एंड ये जो ऑफिस SSI का ऑफिस जो है खत्म किया था वो खत्म कर दिया था 14 अगस्त 1947 में जो है इसको खत्म कर दिया था. तो ये थोड़ी सी चीजें आपने जो है याद रख लेनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है सारी. तो हमारा पोस्ट कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो INC फॉर्म्ड होने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं. तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इनको भी. फर्स्ट हमारा एंटी नॉन करप्शन एसोसिएशन 1920 में फॉर्म्ड हुई, फाउंडर है पुरुषोत्तम दास एंड ठाकुर दास. फिर है नेक्स्ट हमारा जोरहट सार्वजनिक सभा 1893 में फाउंड हुई, रास बिहारी घोष इसके फाउंडर है. फिर है राजा मंडारी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1878 में जो है ये फाउंड हुई, KV पंटालू इसके संस्थापक हैं. फिर है एंटी सर्कुलर सोसाइटी, इसकी ईयर तो नहीं पता मुझे, KK मित्रा ठीक है. एंड लोक सेवा मंडल 1921 लाला लाजपत राय. लोक सेवा मंडल याद रखना है, लाला लाजपत राय इसके फाउंडर है, 1921 में फाउंड की. इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी 1926 में फाउंड हुई, मदन मोहन मालवीय इसके फाउंडर हैं. यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. फिर है यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में इसका जो है फाउंड हुई, सैयद अहमद खान इसके फाउंडर हैं. ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अब्दा राजा शिव प्रसाद साहू. लिबरल एसोसिएशन 1919 स्प्रो जैकर एंड चिंतामणि इसके फाउंडर हैं. एंड इंडियन लिबरल फेडरेशन 1919 में जो है फाउंड हुई, SN बनर्जी इसके फाउंडर हैं. नेक्स्ट है हमारा FICCI फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1927 में फाउंड हुई और इसके फाउंडर कौन है, JD बिरला एंड ठाकुर दास. याद रखने हैं आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें. हिंदुस्तान सेवा दल 1923 में फाउंड हुई, NG राहर्दीकर इसके फाउंडर है. इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग 1928 में फाउंड हुई, JL नेहरू एंड सुभाष चंद्र इसके फाउंडर हैं. प्रजा पार्टी अकरम खान फैजलुल हक अब्दुल बेसेंट जो है इसके फाउंडर हैं. हिंदुस्तान एसोसिएशन 1904 एनी बेसेंट इसके फाउंडर है. एनी बेसेंट जो है वो INC की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी है. साउथ इंडिया फेडरेशन ऑफ पीजेंट एंड एग्रीकल्चर लेबर 1935 एंड जे रांगा एंड निम्बो धीरापद इसके फाउंडर हैं. यूनिस्ट पार्टी 1923 में फाउंड हुई और इसके जो फाउंडर हैं वो है सर सिकंदर हयात खान, सर फैजल हुसैन, सर छोटू राम एंड सर शाहबुद्दीन. उसके बाद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 1925 KV हेडवेगर ठीक है. इसके जो फाउंडर है KV, इसके जो फाउंडर है वो है KV हेडगेवर ठीक है. कौन है, KV हेडगेवर. ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग 1932 MK गांधी. हिंदू महासभा 1917 मदन मोहन मालवीय. ओपिनियंस अबाउट INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में क्या क्या ओपिनियंस रहे, क्या विचार रहे कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स के, उनके बारे में पढ़ते हैं. यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है. अब लॉर्ड डफरिन जो थे वो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे जब INC जो है फॉर्म्ड हुई थी. तो इनका क्या विचार था INC के बारे में, कि INC रिप्रेजेंट ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ठीक है. लॉर्ड कर्जन भी वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे और इनका क्या विचार था, द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फेल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशंस वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिवाइस ठीक है. उसके बाद पढ़ते हैं हम अरविंदो घोष कौन थे, एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ठीक है. मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या है ठीक है. INC इज अ विगनिंग इंस्टीट्यूट एंड बाल गंगाधर तिलक इज ऑल्सो एक्सट्रीमिस्ट लीडर ठीक है. INC शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन विगनिंग एंड क्लेमिंग द राइट्स. एंड विपिन चंद्र पॉल के क्या विचार थे, INC प्लेइंग विद बबल्स ओके. तो ये चीजें आपने याद कर लेनी है. हिंदुस्तान सेवा दल 1923 में फॉर्म्ड हुई एंड NG हरदीकर इसके जो है फाउंडर है. इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग 1928 जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र इसके फाउंडर हैं. प्रजा पार्टी के फाउंडर हैं अकरम खान फैजलुल हक एंड अब्दुल बेसेंट. हिंदुस्तान एसोसिएशन के फाउंडर कौन है, 1904 में फाउंड हुई, एनी बेसेंट इसके फाउंडर है. एंड एनी बेसेंट जो है वो INC की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी थी. साउथ इंडिया फेडरेशन एंड पीजेंट एग्रीकल्चर लेबर 1935 में फाउंड हुई, NG रांगा एंड निम्बो धीरापद इसके फाउंडर हैं.
यूनियनिस्ट पार्टी 1923, इसके जो फाउंडर है सर सिकंदर हयात खान, सर फैजल हुसैन, सर छोटू राम, सर शाहबुद्दीन। फिर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, बहुत बारे क्वेश्चन पूछा गया है ना, 1925 में जो है फाउंड हुई, और इसके जो फाउंडर है केशव वलीराम हेडगेवर, इसके फाउंडर है। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग 1932 में फाउंड हुई और इसके फाउंडर है एम के गांधी, ठीक है। फिर है हिंदू महासभा, हिंदू महासभा 1917 एंड मदन मोहन मालवीय इसके फाउंडर है। जनसंघ 1951, श्याम प्रसाद मुखर्जी इसके फाउंडर है। नेशनल मुहम्मदन 1878 में जो है फाउंड हुई एंड अमीर अली इसके फाउंडर है। ये जो है मुस्लिम एसोसिएशन है, ठीक है, मुहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी, ये मुहम्मदन है, ठीक है, 1863 में फाउंड हुई, अब्दुल लतीफ इसके फाउंडर हैं। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी। और साथ ही साथ अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।